पड़े बच्चे ये साहब जी ये चलिए मेहरबानी जी आप बोल रहे हैं ना साहब की रोटी की परेशानी नीचे काफी ठीक ठाक बहुत ऊपर आए हो भाई जान अकेले क्यों आए हो किसी ने मुंह नहीं लगाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन रसूल मुगल और आप में देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी ये है कि हम दोस्त जा रहे हैं पतरे आटा चेयर लिफ्ट के लिए। स्टोरी ऐसी शुरू होती है कि हम सुबह सवेरे नहा धोकर अच्छे बच्चे बन के मरी के लिए रवाना हो गए और मेरी रात को पूरी प्लानिंग थी कि मैं अपने दोस्तों का प्लान जो उनसे है वो कैंसिल कर दूँ, लेकिन उनका प्रेशर इतना था कि मैं कैंसिल नहीं कर पाया। तो इस तरह हमने सीधा पकड़ा रास्ता मरी के लिए। भरकू अंडरपास के नीचे आधा घंटा जलील होने के बाद आखिरकार हमें रास्ता क्लियर मिल गया। हम अपनी गाड़ी को छिकते पड़ते हुए मरी की तरफ रवाना थे। रास्ते में हमें याद आया कि यार चाय पी लेनी चाहिए और चाय के लिए हम वहाँ पर ही रुक गए। चाय बनते देख के मुझे ख्याल आया क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की चाय बना रहा था। चाय और उसके साथ पकौड़े ना हो, ये हो नहीं सकता। फिर हमने पकौड़ों का भी ऑर्डर दे दिया और सब ने ऐसा रगड़ा पकौड़ों को, और उसके बाद फिर हम दोबारा गाड़ी में बैठे और अपना मुँह कर लिया पतरेटा की तरफ। जैसे जैसे हम मरी के करीब जा रहे थे हवा ठंडी होती जा रही थी और मौसम और खुशगवार होता जा रहा था। फाइनली हम पहुंच गए हैं पतरेटा। हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और गाड़ी से जैसे ही बाहर निकले तो हमें महसूस हुआ कि गर्मी तो यहाँ पे भी ज़्यादा है, धूप सख्त है, लेकिन हमने फिर भी चलना शुरू कर दिया चेयर लिफ्ट की तरफ। और जैसे जैसे हम चेयर लिफ्ट के करीब जा रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि आज तो संडे है और रश तो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो हमने देखा कि टिकट लेने के लिए एक छोटी लाइन है और टिकट लेने के बाद बड़ी लाइन लगी हुई है, और हम छोटी लाइन में लगने के बाद फिर बड़ी लाइन में लग गए। टिकट हमें मिला 1200 रुपये का, 1200 रुपये पर हेड। और जैसे ही हम टिकट लेके हम आगे बढ़े तो देखा कि एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, और लाइन देख के हमें गुस्सा तो आया लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे, चुप करके लाइन में खड़े हो गए। और एक घंटा लाइन के अंदर जलील होने के बाद जब हम यहाँ पे पहुंचे चेयर लिफ्ट के करीब तो हमने देखा तो सीन तो कुछ ऐसा चल रहा था कि कुछ जहाज उतर रहे थे और कुछ उनसे टेक ऑफ कर रहे थे। मैं आपको बताता जाऊँ, ये वो वाले जहाज नहीं थे जो राजा बाजार फवारा चौक के साथ लेटे होते हैं। घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली आपके भाई की बारी आ गई थी चेयर लिफ्ट पे बैठने के लिए। बाबा जी अपना भी वक्त आ गया, कहते हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम वाला सीन आ गया। है कुछ सुन आ रही है? आ गया जी, आ गई, आ गई है। अभी शटे टाट होने लगे अपन। जो करते हो पढ़ा दियो डर कैसे ना लगता है। मेरी लाइफ में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए, और जैसे ही आगे चेयर लिफ्ट आपकी तशरीफ पर लगती है तो आपको डर तो लगता है। ये मेरे साथ राशिद बैठा है, राशिद मेरा यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है। हम तकरीबन मिल रहे हैं ऑलमोस्ट चोटी पे मिल रहे हैं, चोटी बड़ी ईद आने वाली है और ईद से ईद मिल रहे हैं। हाँ ईद से ईद ऑलमोस्ट कह देंगे। बड़ी मजे की आ रही ब्रांड है, मैं 50 की दो बना दूं। ये भाई जो उनसे तस्वीर बनाना चाह रहे हैं हमारी, मैंने कहा कि हम जो उनसे ऐसे ही बड़े खूबसूरत है तस्वीर में और कितना आ जाएंगे। भाई जान अकेले क्यों आए हो, किसी ने मुंह नहीं लगाया? नीचे सारा शहर नीचे काफी ठीक ठाक बहुत ऊपर आए हो। भैया इसको ड्रॉप कर नीचे, खींच ले इसको। ये मेरा दोस्त खड़ा है अवैस, कैमरा नीचे कर, तेरा मुंह नहीं आ रहा। चलना इसको ऊपर करना, नहीं उतना भी तो है।
बाबा जी ये लाइन से निकले फिर लाइन में लग गए। देर लाइन में खड़े होने के बाद जब हम केबल कार के करीब पहुंचे तो हमने देखा वहां पे ऐसा कुछ सीन चल रहा था कि लोग उतर रहे थे और लोग दोबारा से बैठ रहे थे उसमें, और हम भी अपनी बारी का इंतजार करने लग गए। फाइनली काफी देर खड़े होने के बाद हमारी बारी भी आ गई, हम फौरन से पहले विच हो गए। क्या कह रहे हैं आपकी जुबान से पता चल जाता है कि लाहौर तंबाकू नशी जी मजा कमजोरी का बहस बन दी है सारे देख के ना बच्चा कहना एक ही हो गया। फिर जाके दुकानदार को जाना कहना यार कैंसर वाले कितने ने और बाबा जी ये हम पहुंच गए हैं पीक के ऊपर। जैसे ही हम इंटर हुए तो हमने देखा सामने एक छोटी सी मस्जिद थी, हमने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। और सारे दोस्त नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही फारिग हुए तो हमें एक ढाबा नज़र आया जिसके ऊपर अंकल हैवी मामलात की कढ़ाई बना रहे थे, तो हमने कहा चलो खाने का टाइम है तो खाना भी साथ ही खा लेते हैं। खाने में हमने एक चिकन कढ़ाई और एक स्टीम रोस्ट का ऑर्डर दिया, वहाँ पर मेन्यू वाला सीन तो है नहीं था। जब तक अंकल कढ़ाई बना रहे थे मैंने कहा चलो अंकल से गपशप मारता हूँ। खाना फ्रेश बनेगा, ताज़ा तैयार हो रही है हमारी, ये आपके लिए ताज़ा चटनी तैयार हो रही है। अच्छा हाँ चूखा डाली। अच्छा ठीक है ये प्रेशर कुकर रखा हुआ आपने? प्रेशर कुकर है। अच्छा ठीक, इसमें इसके अंदर दाल है। अच्छा दाल है, ओके ठीक। और इस तरफ रोटियाँ तंदूर में लगाई जा रही हैं लकड़ी पे। कितने टाइम से कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी मुझे तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल हो गए यहाँ पे ही कर रहे हैं? यहाँ पर नहीं, पहले आर्मी में था। आर्मी में थे? अच्छा आर्मी मेस में। ठीक है ठीक है, किसी को खाना नहीं खिलाया। अच्छा 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 सही 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 ठीक ठीक। 21 साल मैंने सर्विस की है। 21 साल सर्विस की है आपने? ओके ओके ठीक ठीक। मैं सारी जिंदगी चटनी बनाना रहा। अच्छा चटनी बनाते रहे आप? नहीं बनाती है, पुदीने वाली चटनी है साहब जी। अच्छा पुदीना है, पुदीना ठीक हो गया। सारी चटनी बना सही है। अंकल आप क्या करते रहे? तंदूर का काम करते रहे? ओके ठीक। ये खाना लेके आ गए जी, ये रोटी है। मजा आ गया। रोटी और ले यार, रोटियां गाटा चटनी थोड़ी और पानी ले। रोटी और लेंगे गरम गरम नहीं आने और तुसी पहले ये तो खा के नोलो फिर गरम और में। हां ठीक है ठीक है ठीक है, लो ठंडी आके आन के रख के तो खराब कर। कोई मसला नहीं जी, ये कढ़ाई आ गई। नहीं देनी है इसको। आप बोल रहे हैं ना आपकी रोटी की परेशानी नहीं होगी, गर्म खाएंगे मजा होगा। ग्रेवी काट रखी है तू चेक नहीं कर रहा। ये क्या वीडियो बना रहा तू? खाना खाने के बाद हम निकले ही थे, हमें किसी वहाँ लोकल ने बताया कि ऊपर चश्मा है, पीक पे चले जाए वहाँ पे आपको चश्मा नज़र आएगा। हम पीक पे पहुँचे तो हमें राइट साइड पे ये नाला नज़र आया जो कि चश्मा नहीं था।
जैसे ही टॉप पे पहुंचा तो मैंने देखा मौसम बड़ा यस हो चुका है। मैंने सोचा कि चलो टिकटॉक की वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन अवैस बार बार उंगल कर रहा था, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। वॉक करने के बाद शाम हो चुकी थी, हमने सोचा चले वापस चलते हैं। वापस जाने के लिए हम कैबन कार के पास आ गए और रश काफ़ी थी, लेकिन इंतज़ार करने के बाद हमारी बारी आ गई। ये हम केबल कार से उतर गए हैं, हम अभी जाएंगे चेयरलिफ्ट की तरफ। चलो भैया बाबा जी, इस टाइम जो व्यू आ रहा है और जो ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है ना, सारे पैसे उसके हैं। बंदा कहता है पैसे पूरे हो गए हैं मेरे। जी हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने उतरना है, और बस यानी कुछ ही दूर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। टाइम टू लैंड, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। बाबा जी यहाँ पे होता है हमारे व्लॉग का अख्तिताम। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।